जाती है। अरे भाई लोनी की जनता को पिला और वोट खरीद। अरे सरकार सबके घर में एक एक पेटी पहुंच चुकी है भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, बिना दारू बांटे वोट नहीं खरीदा जा सकता। पैसे बांटे हैं या नहीं बांटे तूने? अरे सरकार हर घर में पहुंच गए हैं पिंक पिंक नोट। भाई बहुत बढ़िया यार, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। जी सरकार। अरे यार जिन महिलाओं के वजह से हम सत्ता में आए हैं वो तो आज नजर नहीं आ रही है आपके चित्र। अरे सरकार आती ही होगी, अभी परेशानी लेके आपके पास। भाई महिलाओं के बिना हमारा घर नहीं लगता, जल्दी से देखो महिला आई या नहीं आई। हाँ देखेंगे अभी। देखो भाई तो क्या आखिर हम महिलाओं की सेवा करते हैं? पीए क्या होता है? पीए ओए हमारे चोरमैन मतलब सरकार, देखना आपको चोरमैन कह रही है ना। हाँ कहाँ है? अरे ये खड़े सामने दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार नमस्कार, आप ही का तो इंतजार था मुझे। हाँ बताइए क्या काम है आपको? आपको पता नहीं है लोनी क्षेत्र में बारिश हो रही है और सड़कों पे पानी आ रहा है। अरे सड़कों पे पानी? अरे ये आपको पानी नजर आता है गंदा गंदा, पर मुझे तो ये साफ सुथरी नदियाँ नजर आ रही है भाई। तो इसमें डूब क्यों नहीं जाते? भाई हमने अपने डूबने के लिए अपने घर में यानी कि अपने महल में स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। आप कहो तो आपको भी वहाँ पे तैरा सकते हैं। ये बताइए आप काम करेंगे या नहीं करेंगे? भाई आपका काम ही तो हम करना चाहते हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। कब करेंगे? आइए अभी करेंगे, चलिए मेरे साथ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आपका काम करने जा रहे हैं भाई, आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है ना। बताए आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, आप सत्ता में नहीं आ पाओगे। सत्ता में नहीं आ पाएंगे? अरे भाई अगर सत्ता में नहीं आ पाएंगे फिर हम ये मौज मस्ती कैसे करेंगे? मौज मस्ती कैसे? हमें आना तो जरूरी है, भले ही चाहे फिर गुंडागर्दी के जरिए लाए, लेकिन सत्ता में हम आएंगे वापस। बात सही है सरकार। हाँ गुंडागर्दी सही आएगी सरकार। हाँ चले सरकार चलिए। तो आप लोगों ने देखा कि आपके चोर मैन ने इन्होंने ऐसे घपले करे हैं, अभी दिखाते हैं अगले सीन में। चलो भैया अरे चाचा एग्जाम देने गया था मैं। एग्जाम देने गया था? हाँ सही बता टाइम में। अभी कोई पेपर तो नहीं चल रहे? अरे मेरे एग्जाम चल रहे हैं। हाँ क्वेश्चन पेपर दिखा। क्वेश्चन पेपर क्लास में छूट गया। डिजिटल इंडिया मेरी बात सुन। हाँ कितने कर रहा? सारे के सारे। सही बता? सच में देख ले। देख लेंगे। चल पहले का जवाब दे। पूछो। ये बता कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग तीन प्रकार के। कैसे? हमने तो दो सुने भैया। भैया तीन होते हैं। हमने भी दो। ये दिल्ली पढ़ते हैं। दिल्ली बताओ कैसे? केजरीवाल जी की महाराष्ट्र की लाइन बोले और मेरी डार्लिंग। वचन चार प्रकार के होते हैं। कैसे? हमने तीन सुने तो चार सुने। चार प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन। एक वचन। दो वचन। दो वचन। बहुवचन। बहुवचन। और ऐश्वर्या राय बच्चन। मेरी बात सुन ले। हाँ इतना मारो जितना काला से और काला कटू हुआ। तीसरे का जवाब दे। आप तो बड़ी घोरे हो। लोनी से बाहर फेंक। फिर इसे लोनी से? हाँ इसे इस क्षेत्र से बाहर फेंकूंगा। मेरी बात सुन। पूछो। तीसरे का जवाब दे। हाँ अगर तीसरे का जवाब गलत आया हाँ तो गारंटी से बता रहा हूँ। क्या? ये मान लिया जाएगा हाँ कि खाली किताबों में कहा गया है कि शिक्षा अच्छी हुई है, वरना शिक्षा अच्छी नहीं हुई है। मेरी बात सुन ले। हाँ पूछो। तीसरे का जवाब दे दे। पूछो। ये बता कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? कोर्ट चार प्रकार के होते हैं। कैसे? लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और पेटी कोर्ट। देख लो। पूछो। भैया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं मेरी? तो आप हो क्यों यहाँ पे? तुझे कमा के खिलाता हूँ। हाँ तुझे पालता हूँ। और चाची का पेटी कोर्ट धोते हो? कौन ही मार दूंगा। सुन मेरी बात। हाँ घर से बाहर निकल जा। एक बात बताओ तो निकाल देंगे। हाँ। अब आप लोग बताइए अगर लोनी के अंदर एक कोई भी एक भी अच्छा स्कूल होता, सरकारी स्कूल होता, तो क्या इस नलायक को दिल्ली भेजना पड़ता पढ़ने के लिए? है नहीं सरकारी स्कूल? कौन सा बताओ जरा। वो कूड़े कचरे में। और उसी का नतीजा तू वो तुम्हारा भतीजा है। कैसे? छठी में छह बार तुम फेल और दो का चार का क्वेश्चन वो दे रहे हैं। आप बताओ अपने भतीजे को लोनी से बाहर निकाल के क्या होगा? निकाल रहे तो चेयरमैन को निकाल जिसने यहाँ के नगर पालिका के स्कूलों को अच्छा नहीं बना रखा। इसमें तेरे भतीजे की चुप। देखो मुझे अपने भविष्य की बड़ी है कि नहीं? बिल्कुल भाई भविष्य की बड़ी बड़ी बिल्कुल बड़ी है। तो वोट किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। पुष्पा जी को। देखो बीजेपी तो है
लेकिन जो बीजेपी से प्रत्याशी है श्रीमती पुष्पा प्रधान जी, इनको वोट दिए क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ा मसला है, जो आपने कहा हाउस टैक्स, उसको हटाया जाएगा। और तो और बालकों की समस्या भी दूर की जाएगी, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जाकर टहल सके और अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सके, साथ ही साथ बच्चे जाके वहाँ पे घूम सके और खेल सके। और भाई नगर पालिका के स्कूलों को बिल्कुल बेहतरीन बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के बच्चे दिल्ली ना जाए पढ़ने के लिए और यही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। लोनी नगर निगम, लोनी नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर वार्ड नंबर 17 से खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से अंजलि शर्मा जी। अंजलि जी, सबसे पहले तो आज कहाँ का आप लोगों ने दौरा कराया, और दौरा करने से शुरुआत करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या शुभकामनाएं क्या बताएं? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दूंगी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने कहाँ का दौरा करा? आज हम 3 बजे के बाद दौरा करने के लिए जाएंगे, अभी तक नहीं गए, 3 बजे के बाद जाएंगे। वैसे हम रोज लगातार जा रहे हैं सुबह के टाइम। अभी नुक्कड़ नाटक हमारा हुआ, तो उसके माध्यम से आप जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, जनता को जागरूक करने का कार्य चल रहा बराबर। नुक्कड़ नाटक में एक चीज देखने को मिली है कि उसके अंदर क्या नाम है, स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय बताई है, क्या कहेंगे? स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है, क्योंकि स्कूलों में जो गवर्नमेंट जो बच्चों के लिए सुविधा कर रखी है वो बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही। उसमें सुविधा क्या है, कॉपी किताब की, पेंसिल की, कुछ बच्चे ऐसे है जिनकी फीस भी कम है, वो बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है। जीतने के बाद में क्या आप इन स्कूलों को दुरुस्त कर पाएंगे? जीतने के बाद में अगर मुझे जनता जिताती है और मेरे हाथ में ये सब कुछ बात आती है, तो मैं चाहूंगी कि मैं जो भी गलत हो रहा है बच्चों के साथ या और भी कोई है, कुछ कोई भी है, उसमें जितना मेरे पे होगा मैं उनका साथ दूंगी। क्योंकि अंजलि जी, देखने में आ रहा है कि बच्चे यहाँ के यूपी के बच्चे दिल्ली में पढ़ने जा रहे हैं, लोनी के बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, और जो है भी तो वो उन तक पहुँच नहीं पा रही है, तो बच्चा वहीं पे जाएगा ना जहाँ उसे सब सुविधा मिलेगी। क्या कहेंगे अंजलि जी? हाँ जी बिल्कुल, अंजलि जी के लिए तो क्लैप है हमारे लिए, बहुत ही पहले ही भैया ने बहुत काम करवा दिए सिरमौन भैया ने, और जिस गलियों में हम जा रहे हैं भैया हमारे से निकलना भी नहीं जाता, पता नहीं वो लोग वहाँ कैसे रह रही, इतनी बदबूदार गलियां हैं अभी। सबसे पहले तो ये उसी का कार उधर का ही सबका निपटारा करवाना है, उधर का विकास करना है। और जैसे हम लेडीज से मिल रहे हैं, सब यही कह रही है कि देखो बहन वोट तो हम दे देंगे, लेकिन वो ये है कि फिर कोई काम नहीं कराता। मैडम यहाँ पे एक ज्वलंत मुद्दा और भी है, शराब का ठेका। शराब का ठेका का ये है कि सबसे पहले शराब का ठेका ही बंद होगा, उसे ही बंद कराएंगे सबसे पहले, उससे महिला बेटी बहन सब बहुत परेशान है। मैम वही एक चीज और देखने को आ रही है वार्ड नंबर 17 में, जहाँ बाकी सारे जेंट्स उम्मीदवार है, अकेली आप ही? हाँ जी मैं ही अकेली हूँ। इस बार महिला जीतेगी यहाँ से? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, महिला जीतेगी। हाँ जी जीत रही है, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद सब इनके साथ है, सब इनके साथ है।